मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों में दूल्हा दुल्हन की विदाई के समय गाड़ी के अगले पहिए में नारियल और नींबू अंडा क्यों रखा जाता है, इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब हमने इसको लेकर पंडित शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उन्होंने बताया कि दूल्हा दुल्हन की विदाई के समय किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसलिए बलि के रूप में नारियल, नींबू और अंडे को गाड़ी के पहिए के नीचे रखकर फोड़ा जाता है, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है। हल्दी लगी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं तो हिंदू संस्कृति में यह किया जाता है। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित शैलेंद्र मुखिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जब दूल्हा दुल्हन दाम्पत्य जीवन में बनते हैं तो जवाबदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए उनके साथ वाहन में सवार होने के बाद किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए यह किया जाता है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन दोनों के ही परिवार के लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, इस क्रिया को पहले ही करते हैं। इस क्रिया को तांत्रिक क्रिया भी कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में नारियल को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, नींबू को नजर उतारने के लिए उपयोग किया जाता है, अंडे को बलि के रूप में प्रयोग करते हैं। होती है दूल्हा दुल्हन के वाहन जब निकलता है तो नारियल वाहन के नीचे रखा जाता है, क्या मान्यता है, क्यों रखा जाता है? ये गाड़ी के नीचे इसलिए रखा जाता है कि पति और पत्नी अब गृह आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब एक परिवार नहीं, दो परिवारों की उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो जब विदाईगिरी होती है ना तो उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इसलिए गाड़ी के आगे के पहियों के नीचे एक नारियल और नींबू रखने की प्रथा है, जिससे वो वहाँ से प्रवेश यात्रा आरम्भ करें। क्या इसको क्या बलि का रूप माना जाता है? जिससे दुर्घटना से बचा जाए।